इस बार मैं होली के लिए एक बिल्कुल नई सब्जी लेकर आई हूँ, क्योंकि वही पनीर मशरूम हर त्यौहार में बना के खाना बिल्कुल बोरियत सा हो गया है। तो इस होली आप ये वाली सब्जी बना के खिलाइए, सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो देखते हैं कि ये कौन सी सब्जी है, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मैंने पहले 4 स्पून करीब देसी घी डाल दिया है, और ये 2 बड़े साइज के मैंने प्याज काटे थे, बारीक मैंने चॉप किया है, और इसे मैंने घी में डाल दिया। और ये हमें तब तक भुनना है जब तक ये हल्का गुलाबी जब इसमें कलर आ जाएगा, उतनी देर हमको भुनना है। और ये बहुत ही हेल्दी भी सब्जी है, तो एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई करना। देखिए ये मेरे हल्के गुलाबी कलर के प्याज हो गए हैं। अब मैं इस पे 1 स्पून करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। 5-6 कली करीब लहसुन के ले लिए थे, और 1 इंच टुकड़ा अदरक का ले लिया था, उसका मैंने पेस्ट बना लिया। और इसे भी मैंने पैन में डाल दिया प्याज के साथ, ये भी थोड़ा भुन जाए। और 2 बड़े साइज के मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली, वो भी इसमें डाल के भुन लिया। ये मैं 4 लोगों के लिए सब्जी बना रही हूँ। आपको जितनी लोगों के लिए बनाना हो उस हिसाब से आप लीजिएगा। ये 1 टेबल स्पून मैंने जीरा पाउडर डाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून ये हल्दी पाउडर जाएगा, और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, वैसे जितना आपको तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, और 1/2 टेबल स्पून ये गरम मसाला है। इन सारे चीज़ों को डाल के मैं थोड़ा देर भून लूँगी। उसके बाद हमें 250 ग्राम मैंने हरे फ्रेश मटर लिए हैं, आप फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। फ्रेश मटर से ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, और इसमें आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। नमक डालने से ये मटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, और जो हमारे टमाटर है वो भी अच्छे से पक जाएंगे। तो फिर उसके बाद मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक दूंगी, ताकि ये अच्छे से मटर सॉफ्ट हो जाए। ये 2 मिनट हो गए मेरे। फिर मैं इसमें, आपको आपके पास खोया हो तो वो आप आधी कटोरी ले लीजिए, वैसे इसमें खोया ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये खोया मखाना मटर की सब्ज़ी है। तो ये अगर आप डालेंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो मैंने उसको भी डाल के थोड़ा देर भूनूँ, और इसके बाद ये मैंने 50 ग्राम करीब ये मखाने लिए हैं, तो इन सभी को डाल के हमें थोड़ा देर भून लेना है। और इसके बाद आपके पास कसूरी मेथी हो तो उसे आप थोड़ा भून लीजिए, और क्रश करके हाथों से, और इसमें डाल दीजिए। और 1 टीस्पून इसमें आप चीनी डाल दीजिए। चीनी डालने से ये सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आप इसे स्किप मत करिएगा, चीनी ज़रूर डालिएगा। और जिस कटोरी में मैंने खोया रखा था उसमें पानी डाल के मैंने इसमें सब्जी में डाल दिया। वैसे इसमें पानी अच्छे से ही डलता है, क्योंकि जो मखाना है वो पानी बहुत तेज़ से सोखता है, तो इसलिए आप अच्छे से पानी डाल के ही पकाइएगा। इसके बाद इसमें हमें थोड़ा क्रीम भी डालना है, अगर आपके पास क्रीम हो तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो आपके पास घर में मलाई तो ज़रूर होगा। देखिए मैं भी मलाई को फेंट के और ये 2 से 3 स्पून करीब है, ये भी सब्ज़ी में जाएगा। तो देखिए बिल्कुल ये त्यौहार वाली सब्ज़ी, चाहे शादियों वाली सब्ज़ी कह लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि ये बनता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इसे ज़रूर बना के एक बार ट्राई करिएगा। देखिए अब ये सब्ज़ी बनके मेरा रेडी हो गया है।
और देखने में जितना ही अच्छा लग रहा है, खाने में उससे कई गुना अच्छा है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, एक बार आप ज़रूर इस त्यौहार में बना के देखिएगा, सब आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। जब ये सब्जी बन के रेडी हो गई तो देखिए मैंने इसके साथ क्या बनाया। तो इसके साथ मैंने ये जो पराठा हम लोग बनाते हैं तो उससे बिल्कुल मैंने हट के पराठा बनाया, मैंने स्क्वायर में पराठा बनाया। तो जब अगर हम लोग पराठा का भी एंगल भी बदल देते हैं तो उससे भी टेस्ट उसका अलग आता है। तो मैंने आटा जैसे लगाते हैं उस तरह लगा लिया था, और छोटी सी लोई ली और इसे छोटी रोटी पहले बेल दी मोटी, फिर उसके बाद ऑयल लगा के एक साइड से पहले मोड़ा, फिर दूसरे साइड से भी मैंने उठा के मोड़ दिया, फिर ऊपर से उठा के फिर मैंने ऐसे स्क्वायर में पराठा हो गया। अब मैं इसे बेलूँगी। देखिए पहले मैंने सीधा बेला, फिर घुमा के फिर बेल दिया। बस आपको इस तरह जिस शेप में है उस तरह से घुमा घुमा के बेलना है, तो एक स्क्वायर पराठा आपका बन के रेडी हो जाता है। ये पराठा थोड़ा आप मोटा ही बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। तो जैसे हम लोग पराठा सेकते हैं बस उसी तरह से इसको भी सेक लेना है। देखिए मैंने एक छोटी सी लोई ली, उसके पेड़े बना के मैंने पहले एक मोटी रोटी छोटी सी बेल ली, फिर ऑयल लगा लिया, फिर मैंने एक तरफ से थोड़ा मोड़ा, फिर दूसरी तरफ से भी उठा के मोड़ दिया, और फिर ऊपर से उठा के नीचे तक मैंने उठा के मिला दिया। एक बार इस तरह भी पराठा बना के खाइएगा, वो जो टिकोने वाली पराठा खाते हैं ना हम लोग, उससे थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो मैंने आज ये खोया मटर मखाना वाली सब्जी के साथ मैंने स्क्वायर वाले पराठे बना दिए। वैसे तो इसके साथ पूड़ी भी बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप पूड़ी भी बना सकते हैं। और दोनों तरफ से ऑयल लगा के मैंने पराठा को सेक लिया। तो एक बार आप ये स्क्वायर वाला पराठा बना के देखिएगा, तो बिल्कुल आपको स्वाद में चेंजिंग आ जाएगी। तो मैंने जैसे पहला वाला बनाया था उसी तरह से इसको भी मैंने बेल लिया। देखिए स्क्वायर में आप बेल लीजिए, आप थोड़ी मोटी ही बेलिएगा। और ये मेरा पराठा बनके रेडी। अब नॉर्मल आटे से जो हम लोग बनाते हैं उसी आटे से मैंने बनाया है। तो मेरा ये स्क्वायर पराठा और खोया मटर मखाना की सब्जी भी बनके रेडी। तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।